हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम रियलमी 8 5G वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 11 के बीच में फ्री फायर का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। टच रिस्पांस, स्मूथनेस, ब्राइटनेस, एफपीएस सभी चीज़ों का। यहां पे गाइस डायमेंसिटी 700 मिलता है हमें रियलमी 8 5G में, एंड G88 मिलता है हमें इन्फिनिक्स नोट 11 में। रियलमी 5G है एंड ये इन्फिनिक्स 4G फोन है। तो गाइस देखिए वीडियो के एंड तक, एंड डिटेल में आपको पता चल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखा दें गाइस। तो यहाँ पे दोनों को हमने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। एंड गाइस यहाँ से रैम को क्लियर कर देते हैं सिंपली। तो ये हमारा हो गया रैम क्लियर। ओके, अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम जो कंपैरिजन करेंगे वो है गाइस ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस में मैं आपको दिखा दूँ, LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है हमें रियलमी में, और इन्फिनिक्स में मिलता है हमें AMOLED। तो गाइस यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले के हिसाब से मैं कहूँ तो इन्फिनिक्स काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है रियलमी के कंपैरिजन में, एज यू कैन सी गाइस। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स ने सही काम किया है। यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में इन्फिनिक्स को काफ़ी बेटर बोलूँगा। एंड इस प्राइस रेंज में AMOLED देना, ये भी गाइस काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड गाइस यहाँ पे DPI की बात कर ले तो दोनों में ही गाइस आपको 360 का DPI देखने को मिल जाता है। AMOLED है तब भी, LCD है तब भी, दोनों में ही गाइस 360 का DPI देखने को मिल जाता है। ओके, अब गाइस यहां पे चलिए एक साथ हम फ्री फायर को ओपन करते हैं। वैसे गाइस हमने स्पीड टेस्ट कर दिया है, तो वीडियो भी आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड यहां पे गाइस देख सकते हैं कि एक साथ हमने ओपन कर दिया, ये रहा स्पीड टेस्ट वाला थंबनेल। तो ये वीडियो पे विजिट करके जरूर से देख लीजिएगा। ओके, यहां पे डायमेंसिटी 700 की बात करें तो ये गाइस काफी पावरफुल प्रोसेसर है, 6 NM पे आई थिंक बेस्ट है। एंड गाइस ये काफी मतलब प्रोसेसर अच्छा है। तो यहां पे देख सकते हैं पहले ही विनर हो गया G88 के कंपैरिजन में। वैसे आप स्पीड टेस्ट देखिएगा, वहां पे आपको और भी डिटेल में मैंने बताया, तो वीडियो आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। यहां पे गाइस हम आ चुके हैं फ्री फायर में। सिंपली मैं आपको सेटिंग्स दिखा दूं दोनों ही फोन्स में। ये है हमारा इन्फिनिक्स, एंड गाइस यहां पे देख सकते हैं सभी सेटिंग्स को हमने हाई पे कर दिया है। एंड सिंपली यहां पे गाइस हम रियलमी 8 5G में भी आपको दिखा देते हैं। एंड गाइस यहां पे भी आप देख सकते हैं कि सभी सेटिंग्स को हमने हाई पे कर दिया है। अब गाइस बारी बारी पर से गेम प्ले करेंगे एंड आपको बताएंगे टच रिस्पांस, स्मूथनेस के बारे में कि गाइस सेंसिटिविटी किसकी बेटर देखने को मिलती है। सबसे पहले गाइस यहां पे हम रियलमी में प्ले करते हैं। वैसे गाइस मैं गेमर नहीं हूँ, मुझे उतना अच्छे से प्ले करने नहीं आता, लेकिन कुछ का थोड़ा बहुत बस वीडियो के लिए प्ले कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं रियलमी 8 की। तो गाइस ये प्रोसेसर सच में काफ़ी पावरफुल है, और अभी गाइस यहाँ पे पोको M3 प्रो सेल में मिल रहा है। यही प्रोसेसर के साथ में 700 डायमेंसिटी का 5G वाला है ये फ़ोन, एंड उसमें डायमेंसिटी 700 देखने को मिलता है पोको M3 प्रो में, और उसका प्राइस अभी 464 के लिए गाइस 10,000 कुछ रुपए में मिल रहा है। तो वो गाइस काफ़ी अमेजिंग डील हो जाता है। ये प्रोसेसर गाइस काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी बैटरी को कम कंज्यूम करता है। इसको मैंने टेस्ट किया, वैसे फ्री फायर टेस्ट किया, तो वो वीडियो भी आप जाके इसका जरूर से चेकआउट कर लेना। BGMI टेस्ट भी हमने कर दिया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में कहूँगा तो गाइस काफ़ी सही है। यहाँ पे कोई भी आपको लैग वैग देखने को नहीं मिलता है। और फ्रेम ड्रॉप्स की जहाँ तक बात रही तो गाइस यहाँ पे फ्रेम आपको 50 FPS के अप्रोक्स देखने को मिल जाता है। तो ये गाइस काफ़ी सही है, मतलब 60 FPS को इनेबल करेंगे तो 50 के अप्रोक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गाइस काफ़ी सही है, FPS भी अच्छे से स्टेबल है गाइस ये प्रोसेसर, एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। जहाँ तक गाइस बात रही हीटिंग की, तो यहाँ पे हीटिंग इशू बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। मतलब नॉर्मल गेम प्ले करते समय जैसे फ़ोन थोड़ा बहुत मतलब गर्म फील होते हैं, वार्म फील होते हैं, उसी टाइप का ये नॉर्मल रहता है। हीटिंग इशू यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे एक इशू मुझे फ्री फायर में लगा, जब रिकॉर्डिंग करके गेम को प्ले करते हैं उस टाइम पे साउंड में बग जैसा, लैग जैसा देखने को मिलता है। तो गाइस ये रियलमी के तरफ से बग है, प्रोसेसर में गाइस कोई दिक्कत नहीं है, रियलमी के सॉफ्टवेयर के थ्रू ये बग देखने को मिलता है। अगर वो चाहे तो फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज हमने BGMI में वही रिकॉर्डिंग करके प्ले किया, या कहीं पर भी और जगह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर गाइस कोई भी साउंड में इशू देखने को नहीं मिलता, बट इसमें देखने को मिलता है। तो गाइस ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे बस वही इशू लगा मुझे। ये भी गाइस अपडेट में मैं भी फिक्स कर दे रियलमी। वैसे रेडमी के फोन्स में भी ये पहले बग था, जब भी रिकॉर्डिंग किया जाए तो वहाँ पे साउंड गाइस क्लीन नहीं आता था रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो वो उसमें अपडेट के बाद गाइस सभी फोन्स में फिक्स हो गए। तो ऐसा कुछ रहता है। बाकी गाइस अब यहाँ पे काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया, कोई भी लैग वैग नहीं देखने को मिलता है, टच रिस्पॉन्स, स्मूथनेस, सभी चीज़ें गाइस काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए रियलमी वाले। बस
वही एक जैसा कि मैंने आपको बताया इशू देखने को मिलता है रिकॉर्डिंग में सिर्फ फ्री फायर में, विजय में मस्त रिकॉर्ड हो जाता है। अब गाइस यहां पे हम प्ले करते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 में। सो गाइस ये रहा हमारा इन्फिनिक्स नोट 11 एंड गाइस सिंपली गेम में एंटर करते हैं। एंड गाइस यहां पे बात करें तो G88 प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड गाइस ये भी प्रोसेसर मुझे काफी सही लगा, G70 G80 G85 G88 ये चारों प्रोसेसर हमने टेस्ट किया है, तो गाइस काफी सही परफॉर्मेंस देते हैं ये चारों प्रोसेसर। गाइस काफी अच्छे मीडियाटेक की तरफ से आने वाले प्रोसेसर मैं कह सकता हूं, ये काफी स्टेबल एंड बजट में गाइस ये किंग है। मतलब स्नैपड्रैगन 660 662 665 इन सभी को काफी अच्छे से टक्कर दिए, इवन 678 को भी। तो ये प्रोसेसर काफी अच्छे हैं गेमिंग के लिए, स्पेशली कोई भी मतलब इशू इसमें देखने को नहीं मिलता है। यहां पे गाइस बात करें इस फोन की टच रिस्पांस सेंसिटिविटी की बात, तो गाइस यहां पे टच रिस्पांस अच्छा है, कोई भी यहां पे टच से इशू देखने को नहीं मिलता है, काफी फास्ट वर्क कर लेता है। दूसरी बात करें गाइस यहां पे टच रिस्पांस की, तो वो तो गाइस मैंने बता दिया। यहां पे गाइस बात करते हैं अब स्मूथनेस की, तो स्मूथनेस भी अच्छी देखने को मिल जाती है। जहां तक गाइस बात रही सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी में भी गाइस काफी सही इंप्रूव किए हैं। पहले इन्फिनिक्स नोट 11S के जब मतलब फोन लॉन्च किए उस टाइम से ये लोग सेंसिटिविटी पे ध्यान दिए और ये काफी सही वर्क कर रहा है। पहले का जो इन्फिनिक्स नोट 10S था उसमें मुझे उतनी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं लगी थी, बट इसमें और इन्फिनिक्स नोट 11S हो गया एंड उसके ऊपर जितने भी फोन आए उन सभी में सेंसिटिविटी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे गाइस हम बात करते हैं फ्रेम ड्रॉप्स के बारे में, यानी कि फ्रेम 60 FPS पे हम ये प्ले कर रहे हैं गेम, तो ये कितना FPS आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे गाइस मैं कह सकता हूँ 40 के नीचे ही रहता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 11S में हम प्ले किए हैं वहाँ पे भी स्टेबल मतलब FPS नहीं देता है, वहाँ पे भी 40-45 के अप्रॉक्स रहता है। लेकिन गाइस उसमें मुझे थोड़े इससे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले FPS के मामले में, मतलब परफॉर्मेंस में लैग नहीं होता है लेकिन FPS ये स्टेबल प्रोवाइड नहीं करता है। ये फ़ोन उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है मैं ये कह सकता हूँ, बिकॉज इन्फिनिक्स जो हॉट 11S है उसको हमने काफ़ी टेस्ट किया और वहाँ पे गाइस काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया। ये गाइस वॉइस चेंजर इसके बारे में हमने बना दिया है, तो ये वीडियो भी आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे गाइस टच रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी सबसे ये, बस FPS में यहाँ पे मुझे थोड़ा उतना स्टेबल नहीं लगा, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि इन्फिनिक्स जो हॉट 11S है उसका मुझे इससे बेटर लगा डेफिनेटली। गाइस यहाँ पे साइड बाय साइड हमने कंपेयर भी किया है इन दोनों के बीच में, इन्फिनिक्स हॉट 11S वर्सेस नोट 11, तो वो वीडियो भी आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं गाइस, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये है गाइस कि यहाँ पे भी कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। रियलमी नार्जो 30 में गाइस हीटिंग इशू बहुत ही ज़्यादा है, मतलब रिकॉर्डिंग करके आप गेम को प्ले नहीं कर सकते। गर्मी के दिनों में सर्दी में तो आराम से प्ले कर सकते हैं लेकिन गर्मी में प्ले नहीं कर सकते। लेकिन गाइस ये इन्फिनिक्स के फोन हो गए चाहे रियलमी के कोई भी फोन हो, मतलब इस प्रोसेसर के साथ में G80 G85 G70 इन सभी प्रोसेसर के साथ में आप इजीली रिकॉर्डिंग करके गेम को प्ले कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में गाइस फले फ्रेम ड्रॉप्स थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है कंपेयर टू G96 G95, बट यहां पे लैग वैग देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों ही फोन्स गाइस काफी सही है, लेकिन इस टाइम पे रियलमी 8 5G आप मत बाय कीजिएगा, इसके बदले आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लाइक रियलमी 9 ही आ चुका है जो डायमेंसिटी 810 के साथ में आ रहा है, तो गाइस तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी फोन काफी सही है एंड काफी वैल्यू फॉर मनी मतलब दे रहे हैं, अब सही काम कर रहे हैं। ओके तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।